अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जो कि एक कलमकार भी है, एक अखबार का एडिटर भी है, एक कलमकार, एक शायर अपने तौर पर गिर्द पेश का जायजा लेकर जो शायरी बनाता है, यकीनन वो बावकार होती है, यकीनन वो बाअदब हो जाती है। दोस्तों आइए, मैं बिना किसी तमीज के तजम्मुल हुसैन साहब जो के भिवंडी से तशरीफ लाए, मैं इन चार मिसरे ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, हाथों को जोड़कर मैं भी गले से लग गया तलवार चुप। दोस्तों आज मेरा सीना वाकई 56 इंच का हो गया है, इसलिए कि मैं चार मिसरे हमेशा बोलते रहता हूँ मुशायरों में। आज मुझे पता चला कि ये सरजमीन कोकण के ही एक शायर मोहतरम मुकाम उस्ताद शायर मंदर करियामी साहब का, मैं इंतहाई अदब और एहतराम से उनका नाम लेकर वापस से ये शेर पढ़ता हूँ कि उस्ताद मोहतरम मंदर करियामी साहब कहते हैं कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। और कुछ ऐसे तशना लब है जमाने में आज भी, कुछ ऐसे तशना लब है जमाने में आज भी, पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़कर। दोस्तों भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए तजम्मुल हुसैन जो के भिवंडी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं इब्राहिम काजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनकी किताब के हिजरा पर, और ये चार मिसरे इनकी नजर करता हूँ। चरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे, चरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे, चरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे, हम उल्फत की राहें दिखाते रहेंगे। क्या बात है साहब, वाह। चरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे, हम उल्फत की राहें दिखाते रहेंगे, ये कासिद का पैगाम है हम सभी को हमेशा मोहब्बत दिखाते रहेंगे, ये काशिद का पैगाम है हम सभी को हमेशा मोहब्बत निभाते रहेंगे। एक मतलब और चंद अशआर समाअत फरमाएं। साइंस के तनाजुर में देखिए, दरिया खंगालना मेरा आसान कर गया, दरिया खंगालना मेरा आसान कर गया, तय में उतार कर मुझे खुद ही भी। क्या बात है साहब, दरिया खंगालना मेरा आसान कर गया, तय में उतार कर मुझे खुद ही भंवर गया। और शेर समाज फरमाए, क्यों है चराग पर ये हवाएं चराग पा, क्यों है चराग पर ये हवाएं चराग पा, लगता है कोई कान हवाओं के भर गया, क्यों है चराग पर ये हवाएं चराग पा, लगता है कोई कान हवाओं के भर गया। और दुनिया के इस सफर में जरूरी है हम सफर, दुनिया के इस सफर में जरूरी है हम सफर, वरना समझिए आपका लुत्फे सफर गया। दुनिया के इस सफर में जरूरी है हम सफर, वरना समझिए आपका लुत्फे सफर गया। और एक गजल के और चंद अशआर समाअत फरमा ले, और ये मतलब जो है बुजुर्गों की, घुसते हुए दिए को जरूरत है तेल, घुसते हुए दिए को जरूरत है तेल की, खा लेंगे रूखी सूखी किसी दिन तुफैल की। क्या बात है, वाह। दिए को जरूरत है तेल की, खा लेंगे रूखी सूखी किसी दिन तुफैल की। और ये शेर नौजवानों की नजर है, घर बनना चाहते हो तनावर शजर बनो, घर बनना चाहते हो तनावर शजर बनो, होती है जिंदगी कोई कमजोर बेल की। क्या बात है, घर बनना चाहते हो तनावर शजर बनो, होती है जिंदगी कोई कमजोर बेल की। और ये शेर सियासत के तनाजुर में सुनिए, आएगा ऊंट नीचे कभी तो पहाड़ के, आएगा ऊंट नीचे कभी तो पहाड़ के, फिलहाल तो उसे जरूरत नकेल की। क्या बात है, आएगा कभी तो पहाड़ के, फिलहाल तो उसे है जरूरत नकेल की। और एक मिनट सुना देता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। ऐ मेरी जीत, नज्म का उनवान है तस्वीर,
ऐ मेरी जीस्त मेरी रूह मेरी जाने बहार, ऐ मेरी जीस्त मेरी रूह मेरी जाने बहार। दिल था बेचैन बहुत, नींद थी आंखों से फरार, कहीं कमरे में अचानक ही झनक सी गूंजी, मैं ये समझा कि कलमदान कोई टूट गया या किसी मेज पे रखा हुआ गुलदान गिरा। जब पड़ी फर्श पर बेचैन सी नजरें मेरी, फ्रेम था टूटा हुआ, कांच था टुकड़े टुकड़े, इन्हीं टुकड़ों इन्हीं रेजों में दबी जान मेरी, तेरी तस्वीर सिसकती नजर आई मुझको, फिर अचानक तेरी आवाज कहीं से गूंजी, क्या यही मंजर है जहाँ सोच दिखाने के लिए मेरी तस्वीर से कमरे को सजाया तुमने। बहुत बहुत बहुत